वाले गरीब परिवार वाले, गरीब से अमीर से मतलब नहीं है, हमें देना है मेरा आपको दौड़ा दे 10,000 खर्चा करता रहोगे, रख लीजिए नहीं पाओगे, देख लीजिए हम गरीब परिवार है, अब आपका कुछ सहयोग हो जाए सर, सहयोग हम बहुत करती है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। कुशीनगर में फिर दागदार हुई यूपी पुलिस की वर्दी, गाड़ी छोड़ने के नाम पर हनुमानगंज थाने पर तैनात दीवान ने लिया 2000 का रिश्वत। मामला है कुशीनगर जनपद के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में गाड़ी चेकिंग के दौरान महाराजगंज जनपद के संजय निवासी जो बीसोखोर के रहने वाले हैं, अपने निजी कार से पनियावा गया था। वापसी के दौरान साहब ने पेपर का अभाव दिखाकर गाड़ी को थाने में खड़ा करा लिया। पुनः अगले दिन थाने में गए व्यक्ति से गाड़ी छोड़ने के नाम पर 3000 का डिमांड किया, जिसके बाद किसी प्रकार गरीबी का हवाला देते हुए उस व्यक्ति ने 2000 साहब को दिया, तब जाकर साहब गाड़ी छोड़े। अन्यथा की स्थिति में दीवान जी तमाम लोगों की गाड़ियां सड़ने का हवाला देते हुए अदालत भेजने की हिदायत भी दे दी। आप ही बताइए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस प्रकार से लागू है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने मंचों से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, तो क्या यही भ्रष्टाचार मुक्त है? उनकी ही पुलिस खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है और भ्रष्टाचार करने से खुद ही बाज नहीं आ रही है, इसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। वैसे तो आपने यूपी में तमाम दरोगा एवं पुलिस की घूस लेते वीडियो देखे होंगे, लेकिन इसमें साहब कुछ अलग एवं सहज अंदाज में ही मामले को डील कर लेते हैं। पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर हेड मुहर्रम दीवान राजेश ने बताया कि तमाम लोग आते हैं थाने पर, मैं खड़ा था, कोई वीडियो बना लिया होगा। अब आप ही बताइए उक्त वीडियो में साहब किस प्रकार पैसे की मांग करते हैं और जवाब देने के बदले पलटी खा जाते हैं। अब देखना होगा कुशीनगर जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक सचिंदर पटेल उक्त मामले को संज्ञान लेकर कोई ठोस कदम उठाते हैं या सिर्फ खाना पूर्ति कर टोपी टोपी एक है का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हालांकि क्षेत्राधिकारी खड्डा के सीओजी नंबर पर हमारी टीम ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन साहब का कॉल नहीं उठा। स्वास्थ्य सही है सर आपका? स्वास्थ्य सही है ना? स्वास्थ्य सही है। कोरोना महामारी को, हाँ कोरोना महामारी लिया वा डेढ़ साल के कितना कितना कहे थे? 3000। अरे गरीब परिवार है, गरीब से अमीर से मतलब नहीं है, हमें देना है आपको दौड़ा दे 10,000 खर्चा करता रहोगे, रख लीजिए नहीं पाओगे, देख लीजिए हम गरीब परिवार है, अब आपका कुछ सहयोग हो जाए सर, सहयोग हम बहुत करती है। 10,000 यही गड़िया सड़ जाएगी, बहुत लोगों सड़ रही है, इन्हों को सड़ जाएगी। जब बताए थे तो बताए थे कि हमों को कहीं मैनेज करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, तभी तो जो है अच्छा अदालत भेज देते हैं वही 500 मांग के ले लो, देता हूँ मैं, उसमें नहीं कुछ सही बात है, जा ले लो, निकले हो ना अभी बहुत पता नहीं कैसे गाड़ी चला लो सब यार, इसको पूरा करिए सर, पूरा करिए, साहब से बात नहीं की। लेकर आओ जल्दी, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करें, या वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।